मदीने पाक, बोलो कहाँ पे? मदीने पाक। मदीने पाक में एक जमीन है, बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा है, झगड़ा हो रहा है भाई। मदीने में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते, वहाँ दो आदमी का झगड़ा हो रहा है। किसके बारे में झगड़ा हो रहा है? जमीन। यानी जोर से बोलना, एक यहूदी है, बोलो एक यहूदी, एक मुसलमान, बोलो फिर बोलो एक यहूदी, एक मुसलमान। और यहूदी क्या बोले? मेरी जमीन है, हमारे बाप दादा का है। और मुसलमान बोले ना, हमारे दादा पर दादा उनकी जमीन है। अब एक यहूदी एक मुसलमान करीब था कि झगड़ा होता, हाथापाई होती, एक दूसरे को उठा के पटक के मारते, और इसके वाले भी आते इसके, अरे बहुत बड़ा हंगामा होने वाला। लेकिन क्या हुआ, तो यहूदी ने कहा झगड़ा करके कोई फायदा नहीं, मैं कहता हूँ मेरी जमीन है, तू कहता तेरी जमीन है, हम किसी एक को बुलावे, कोई बड़े को बुलावे, वो जो फैसला करे उस पर हम राजी। तो वो मुसलमान ने कहा किसको बुलावे? ये सुनना, यहूदी ने कहा मेरे जहन में आता है मोहम्मद को बुलाया जाए। बोलो सल्लल्लाहु यहूदी। क्यों? इसलिए कि कुरान कहता है कि यहूदी भी जानते थे कि ये नबी है। सुभानअल्लाह। यहूदी भी जानते थे ये नबी, ऐसा जानते थे जैसे अपने सगे बेटे को बाप पहचानता है ना, बाप अपने बेटे को सगे बेटे को पहचानता है, वैसे यहूदी जानते थे कि ये नबी है, मगर दिल में जलन थी जो कबूल करने को तैयार। ये कुरान में लिखा है, बोलो ये कहाँ लिखा है? अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो मेरे साथ में पारा नंबर 2। अल्लाह ने फरमाया अल्लदीना तैनाहुम अलकिताब यारिफूना कमा यारिफूना अबनाहुम व इन्न फरीकम मिनहुम लयक्तुमूनल हक्क व हुम यालमून। अल्लाह फरमाता है यहूदी ये ईसाई जानते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के नबी है। झगड़ा किसके बारे में हो रहा है? एक तरफ बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, एक तरफ यहूदी, एक तरफ मुसलमान। और यहूदी ने कहा मोहम्मद के पास जाए तो मुसलमान तो तैयार हो गए, चलो इसलिए कि जब नबी के पास जाएंगे तो हमारे हक में फैसला करेंगे, तैयार हो गए। देखो ये हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह, बोलो रसूलुल्लाह, बता रहा हूँ हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह शासन तकी फरमाए, बोलो कौन आए? मुसलमान। यहाँ से कौन आए? यहूदी। आकर बैठे, अब दोनों ने आकर बात शुरू की। यहूदी ने कहा कि वो जो जमीन है वो मेरी जमीन है, मेरे बाप की, मेरे दादा की, मेरे परदादा की जमीन है। तो जो मुसलमान थे ना उनका नाम था बिश्र, बोलो क्या नाम था? बिश्र, बिश्र, BISHR, बिश्र। तो वो जो मुसलमान थे उन्होंने कहा नहीं नहीं अल्लाह के रसूल नहीं, वो जमीन मेरी है और मेरे बाप ने और मेरे दादा ने और मेरे परदादा ने इस तरह खरीदी थी। और यहूदी बोले नहीं नहीं वो मेरी जमीन है। हमारे नबी ने फरमाया कोई कुछ नहीं बोलेगा, अल्लाह जवाब देगा। सुभान अल्लाह, बोलो 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 सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने गर्दन मुबारक झुकाई, थोड़ी देर के बाद हमारे नबी ने चेहरा उठाया। ए पूना वालों, जब हमारे नबी चेहरा उठाते थे ना ऐसा लगता था अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकल कर सामने। हमारे नबी ने देखो, हमारे नबी ने चेहरे अनवर उठाया और हमारे नबी ने कहा अकजी मा यकदिल्ला, आज मैं वही फैसला करूंगा जो मेरे अल्लाह ने फैसला किया है। और हमारे नबी ने साथ में कह दिया देखो जबान मेरी होती है कलाम अल्लाह। और फिर दोनों बैठे, हमारे नबी ने कह दिया जमीन यहूदी की है। सुभानअल्लाह, बोलो 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 जमीन किसकी है? यहूदी, यहूदी की जमीन है। तो वो जो मुसलमान था ना क्या नाम था? बिश्र। अरे खड़ा हो गया, कहा अल्लाह के रसूल ऐसा कैसा फैसला, मैं तो नमाज पढ़ू, मैं तो कुरान पढ़ू, मैं ज़कात दूं, मैं रोजा रखूं और आपने फैसला यहूदी के हक में किया? अरे वो तो कलमा भी नहीं पढ़ा, वो तो आपको मानता भी नहीं है, मैं तो उम्मती आपका और मैंने तो नमाज पढ़ना, मेरा तो कुरान पढ़ना। उस वक्त हमारे नबी ने फरमाया यहाँ नमाज और ईमान का मामला नहीं है, यहाँ इंसाफ का मामला है। और हमारे नबी ने फरमाया सुनो, अगर जमीन पर मोहम्मद इंसाफ नहीं करेंगे तो कयामत तक आके कौन इंसाफ करेगा? सबसे बड़े इंसाफ करने वाले कौन? बोलो हमारे नबी। बोलो सबसे बड़े इंसाफ करने वाले हमारे नबी। और हमारे नबी ने कह दिया बोलो जमीन किसकी है? जोर से बोलो किसकी है? यहूदी। अब सुनना, गुस्से गुस्से में वो मुसलमान बाहर, यहूदी भी बाहर गए। और गुस्से में मुसलमान ने बाहर जाकर क्या कहा मालूम? नाम क्या था? बिश्र। क्या कहा मालूम बाहर जाके? मुझे मोहम्मद का फैसला मंजूर नहीं है। बोलो मुझे मोहम्मद का फैसला मंजूर। और जो ये बोले उसका ईमान खत्म हो जाए, जो ये बोले कि मुझे नबी का फैसला पसंद नहीं उसका ईमान खत्म। अब हम उनको मुसलमान नहीं बोलेंगे, नाम बिश्र है मगर मुसलमान, इसलिए कि मोहम्मद का फैसला उनको पसंद नहीं।
नहीं। अच्छा बाहर जाके डिस्कस हो रही है, वो बिशप क्या बोल रहा है मालूम? यहूदी को कह रहा एक काम करें, मुझे तो यहाँ फैसला अच्छा नहीं लगा, हम अबू बकर के पास जा रहे हैं। किनके पास जा रहे हजरत? और यहूदी ने कहा चलो उसमें क्या है, चलो। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे, पूरा मजमा बोलना, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे, एक तरफ से कौन आया? बिशर। बोले एक तरफ से कौन आया? बिशर। और एक तरफ से कौन आया? यहूदी। अच्छा अभी तो बात शुरू कर रहे हैं, यहूदी ने बात किस तरह शुरू की? यहूदी ने कहा देखो हम जमीन के मैटर में आए हैं, जमीन का हमारे बारे में झगड़ा हो रहा है, लेकिन हम मोहम्मद के पास गए थे। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहूदी कहता हम मोहम्मद के पास गए थे, मोहम्मद ने मेरे हक में फैसला किया, मगर ये बिशर मानने को तैयार नहीं। सुनना, हजरत अबू बकर ने कोई आगे केस बढ़ाया ही नहीं। क्या कहा मानो? अकदी मा यकदी अल्लाह व रसूलू, मैं वही फैसला करूंगा जो मेरे अल्लाह और मेरे रसूल ने फैसला किया है। जमीन यहूदी की है। बोलो जमीन किसकी है? यहूदी की। अरे तो उन्होंने बिशर ने कहा आपने तो सुना भी नहीं, हजरत अबू बकर ने कहा अल्लाह की कसम मुझे जमीन के बारे में कुछ नहीं सुनना, हमें सुनना ही नहीं। मोहम्मद कह देते हैं अल्लाह आसमानों पर फैसला कर देता है। जमीन किसकी है? तो हजरत अबू बकर ने पूरा मैटर सुना नहीं, बल्कि आपको बताओ पूना वाले कभी कभी हजरत अबू बकर रोते थे। बोलो कभी कभी हजरत अबू बकर रोते थे। तो कोई पूछता था माँ युक्की का या बा बकरी अबू बकर रोते क्यों? तो हजरत अबू बकर कहते थे ला हाजरी, मेरे को नहीं मालूम मैं क्यों रोता। कहा आपको नहीं मालूम आप क्यों रोते? कहा मुझे नहीं मालूम, देखो मेरे नबी रो रहे तो मैं भी रो रहा हूँ। अरे हजरत अबू बकर वो थे साथ में, बोलो ना, नबी रोए तो अबू बकर रोए, नबी हंसे तो अबू बकर हंसे, नबी सफर में तो अबू बकर सफर में, नबी हजर में तो अबू बकर हजर में, नबी हिजरत में तो अबू बकर हिजरत में, अरे नबी गारे सौर में तो अबू बकर गारे सौर में, नबी अगर गज़वे अहज़ाब में तो अबू बकर गज़वे अहज़ाब में, नबी बदर में तो अबू बकर भी बदर में। बल्कि यूं कहो आज जहां नबी आराम कर रहे हैं बाजू में कौन है? अबू बकर। अबू बकर है। तो हजरत अबू बकर ने मामले को सुना नहीं, बस कह दिया यहूदी की जमीन है। अब बाहर निकले वो जो था बिशर, क्या नाम? बिशर। वो बाहर आके क्या बोलता मानो? मुझे मोहम्मद का फैसला भी पसंद नहीं आया और मुझे अबू बकर का फैसला भी पसंद नहीं आया। तो यहूदी ने कहा बात खत्म हो गई, हमने फैसला किया था कोई बड़ा आके फैसला करेगा, अरे मोहम्मद ने भी फैसला कर लिया, अबू बकर ने भी फैसला कर लिया, जमीन तो मेरी है। वो बिशर क्या बोलता? नहीं नहीं, एक आखिरी चांस। बोलो आखिरी। तो यहूदी ने कहा जाना? कहा मेरे बचपन के दोस्त है, वो बहुत सही फैसला करेंगे, हम उनके पास ही चले जावे। कहा कौन? तो कहा उमर। अरे बोलो कौन? उमर। उमर। यहूदी ने कहा चलो। अब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर में, बिशर आए। बोलो कौन आए? बिशर। यहाँ कौन आए? यहूदी आए। आकर यहूदी ने वही मैटर रखा कि भाई हमारे जमीन का मैटर है, मैं कहता हूँ मेरी जमीन है, ये बिशर कहता कि मेरी जमीन है, और हमारा बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला था, लेकिन हम मोहम्मद के पास गए, मोहम्मद ने मेरे हक में फैसला किया, फिर अबू बकर के पास गए, अबू बकर ने मेरे हक में फैसला किया, और अभी आपके पास आए। किसके पास? वो किसके पास आए? हजरत उमर ने कोई बात नहीं सुनी, अंदर गए। बोलो अंदर। अब ये लोग समझे होंगे कुछ पानी वानी लेने गए होंगे। अंदर गए, अंदर गए और नंगी तलवार लेकर आए और कुछ नहीं कहा, कुछ कहा नहीं। हजरत उमर का रौब और दबदबा कैसा था भाई? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, वो जो बिशर था ना बिशर, यू तलवार ली और यू धार गर्दन उड़ा के फेंक दी भाई, गर्दन उड़ा के। तो बाजू में कौन था? कहने लगा उमर नहीं, उमर नहीं। उमर ने कहा तुझे मारूंगा भी नहीं। तो कहा लेकिन उसको क्यों मारा? वो जमीन के बारे में लड़ाई थी, तुमने मारा क्यों? कहा मैंने जमीन के वास्ते थोड़ी मारा। तो कहा क्यों मारा? कहा मैंने इसलिए मारा, मैंने इसलिए मारा जो कलमा पड़े। हजरत उमर फरमाते हैं पूना वालों सुनो, जो कलमा पड़े और फिर ये कहे कि मुझे मोहम्मद का फैसला मंजूर नहीं, उमर कहता वो मोमिन नहीं, उसे जमीन पे रहने का कोई हक भी नहीं, उसे जमीन पे रहने का कोई हक भी नहीं। इसलिए उमर कहते मैंने मार डाला। वो यहूदी दौड़ा, जब दौड़ने लगा तो उमर ने कहा खुश हो जा, अब तो जमीन तेरी हो ही गई, तो कोई सामने है नहीं जमीन। वो यहूदी बुए पूना वालों पूरे मदीने में खबर फैल गई कि उमर ने बिशर को मारा, उमर ने बिशर को मारा, उमर ने बिशर को मारा, अरे एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को मारा, पूरे मदीने में खबर फैली। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक में खबर आई, कहा उमर को बुलाओ। ए हजरत उमर आए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उमर
भाई हजरत उमर आए हमारे नबी के सामने कांपते हुए, इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौब और दबदबे से बढ़कर किसी का रौब और दबदबा नहीं होगा। हजरत उमर कप कपाते हुए आए, हमारे नबी ने फरमाया उमर कतल द फुलान, उमर तुमने फला को मार डाला। अरे वो जमीन का मैटर लेकर मेरे पास आया, अबू बकर के पास गया, तुम्हारे पास गया, तुमने मार डाला। सुनना हजरत उमर ने क्या जवाब दिया, अल्लाह के रसूल जो सजा देना है मेरे को दो, मैं खड़ा हूँ। अल्लाह के रसूल जो सजा देना है मुझे दो, मैं खड़ा हूँ, लेकिन अगर ऐसा कोई और मिलेगा तो उसको भी मार डाल। हमारे नबी ने कहा ऐसा कोई मिले कहा जो कलमा पढ़े और ये कहे कि मुझे नबी का फैसला मंजूर नहीं, वो मोमिन नहीं, उसे जमीन पर रहने का कोई हक नहीं। अभी तो हमारे नबी कुछ बोलते हजरत जिब्रील आए, हजरत जिब्रील जैसे आए तो हमारे नबी ने हजरत जिब्रील को कहा देखा आपने, देखा क्या? हजरत जिब्रील ने कहा उमर को कुछ कहना मत, जो उमर ने जमीन पर फैसला किया है अल्लाह ने आसमानों पर वही फैसला कर दिया है। बोलो बोलो भाई सुभान अल्लाह, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया हजरत जिब्रील अलैहि सलातो व सलाम ने? फरमाया मेरे प्यारे नबी उमर ने जो फैसला जमीन पर किया अल्लाह ताला ने वही फैसला आसमानों पर किया। जो कलमा पढ़े और ये कहे मुझे मोहम्मद का फैसला मंजूर नहीं, उसे जमीन पर रहने का कोई हक और वो मोमिन। बस इतना हजरत जिब्रील ने कहा। आपको ताज्जुब होगा आसमान से कुरान की आयत उतर गई। अरे बोलो आसमान से आज भी कुरान में आयत है। कौन कौन पढ़ेगा मेरे साथ में भाई? आज भी कुरान की आयत है, पांचवा पारा। बोलो कौन सा पारा? सूरह निसा पांचवा पारा। जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ो। आसमान से आयत करीमा आ गई, फला व रब्बिका युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अन्फुसिहिम हरजा मिम्मा कदैत व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरा नबी तेरे पैदा करने वाले की कसम। अल्लाह कहता मेरा नबी तेरे पैदा करने वाले की कसम, वो मोमिन नहीं जो नबी के फैसले पे राजी नहीं। बोलो वो मोमिन, जोर से वो मोमिन, बुलंद आवाज से वो मोमिन जो नबी के फैसले पे राजी। अब बताओ भाई हमारा क्या मामला है? वाकया तो मैंने सुना दिया, मेरे को अकरम भाई सूरत में मिला इतना अच्छा। ये मैं आपको दो तीन महीने पहले की बात कर रहा हूँ, मौलाना अल्ताफ सूरत में मेरे को एक मिला। मेरे को कहता है कि मौलाना क्या धोखा सूरत में होता है, कितनी पार्टी उठ जाती है, अरे कौन कितना पैसा खा जाता है। फिर मुझे क्या कहता मालूम, अरे कारी साहब अगर उमर होते ना उमर सबकी हालत खराब हो जाती। मैंने क्या कहा मालूम, उमर होते तो तू नहीं होता, तो गुस्से वगैरह मैं नहीं होता। मैंने कहा जो नबी के फैसले पे राजी नहीं हो। नहीं समझे मेरी बात? समझे नहीं समझे मेरे प्यारो? आ जाओ अपनी नैया जो डूब रही है। आज गैरों को मौका मिला। ऐ मेरे दोस्तों आज कुरान करीम पर उंगलियां उठाई जा रही है, अरे ईमान पर उंगलियां उठाई जा रही है, अरे हमारे इस्लाम के मजहब को बदलने की बातें हो रही है, अरे हमारे से कुरान छीनने की बातें हो रही है। अरे मेरे प्यारों हमारे नबी का मजाक उड़ाया जा रहा है ऐसे हालात में। ऐ पूरे पूना वालों महाराष्ट्र